केंद्रीय जहाज राजमार्ग व आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने श्री सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम पहुंचकर श्री बालाजी महाराज के दर्शन किए। सोनोवाल ने मनोकामना का नारियल बालाजी मंदिर में बांधा और देश में खुशहाली व देशवासियों को महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। सालासर आगमन पर श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मांगीलाल पुजारी, बिहारी लाल पुजारी, बेदासर प्रधान संतोष मेघवाल, तरुण पुजारी, आदित्य पुजारी, नागरमल पुजारी, बबलू पुजारी व राकेश पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करते हुए दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज में उनकी अटूट आस्था है और सभी देशवासियों के सुखद और स्वस्थ रखने की प्रार्थना की है। आपसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे आयुष मंत्रालय और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों एक साथ मिलकर काम करने का हम लोगों ने निर्णय किया है। तो एक साथ मिलकर हम देश की हर नागरिक की स्वास्थ्य हमेशा तंदुरुस्त रहे, सुरक्षित रहे, इस दिशा पर हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की जनता की हितों के लिए जय श्री बालाजी के चरणों में सिर झुका के उनके आशीर्वाद मांगा, सबकी भलाई हो और सबके जीवन मंगलमय हो, प्रभु कृपा करे और हमें भी भारत माता की निष्ठा से सेवा करने के लिए शक्ति भक्ति ज्ञान बुद्धि बल दे, क्योंकि प्रभु के इच्छा से सब कुछ होता है और जीवन में शांति भी मिलता है। सब खुश रहे और सब अपनी कर्मभूमि में तरक्की करें।